कथा सुनने आए हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है इतिहास में पहली बार होगा दक्षिण प्रांत में, कहता हूं चेन्नई नहीं समस्त दक्षिण प्रांत में सबसे पहली बार गुरु मैया के आशीर्वाद से हम ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। हम सुनते हैं उस महान विभूति की गाथा को, तो क्यों ना हम मौन धारण करके सुने। आइए, जो हमारे आस्था के आयाम है, हम चलकर जाते हैं जालना, लेकिन आज आपके घर खुद गंगा चलकर आई है। तो मात्र एक घंटे के लिए आप मौन के पचकान रखे और इस गुरु गणेश गाथा का स्वाद ले। दो साल बाद एक और सहोदर भाई का जन्म होता है और उसका नाम शोभा चंद रखा जाता है। दोनों बच्चे माँ के लाड़ प्यार में, पिताजी के लाड़ प्यार में बड़े हो रहे हैं, और एक दिन धूली माता बच्चों को खेलता हुआ देखकर कुछ अटपटा सा महसूस करती है और कुछ अघटित होना है ऐसा उनको संकेत मिलता है। धूली देवी अपने मन की हाल अपने पति को सुनाती है और पति कहते हैं, संभाल लेंगे ना, हम दोनों पति पत्नी साथ है तो किस बात की कमी है, हम देख लेंगे जो भी होना है, हम धर्म की शरण में है ना। ऐसा कहते हुए कहते ही है और अचानक एक दिन रात धूली माँ के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। उस वेदना में कराते हुए माँ ने बच्चों से कहा, अपने पति से कहा कि वैद्य को ले आइए। वैद्य आए, इलाज हुए, पर कुछ इलाज काम ना आए, और अंततः वेदना से कराहते कराहते उन छोटे बच्चे की मां की अंतिम सांस वहीं पूरी हो जाती है। उन नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर, प्राण प्रिय पति को छोड़कर वो धूली बाई उस पेट की वेदना से कराहते कराहते नारे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरी लाल। माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं। क्रूर काल ने उन छोटे बच्चों की माँ छीन ली। सारी बातें थी घर में पर माँ नहीं थी, और बच्चों को हर बात में माँ लगती है। माँ की कमी को कौन पूरा कर सकता है, हर कवल में बच्चों को माँ की कमी महसूस होती। आज हर चीज घर में थी पर माँ नहीं थी। उन दोनों छोटे बच्चों का जीवन बिना शक्कर की मिठाई जैसा हो गया था। बच्चों की माँ और पिताजी का जीवन साथी चला गया था। धूली बाई के जाने से पूनम चंद जी का जीवन रथ एकांगी हो गया था। अंत और एकांत, इन दोनों में से व्यक्ति एकांत को ही ज्यादा डरता है। बस बच्चों को सामने देखकर भविष्य की चिंता से पिता का कलेजा दहल जाता था। मैं बच्चों को सब कुछ दे सकता हूं पर मैं उनको उनकी मां नहीं दे सकता। इस कमी ने, इस वेदना ने उस पिताजी को कलेजे को दहलाना शुरू कर दिया।
क्या परिस्थिति होगी उस पिता की, सामने खेल रहे बच्चों को खिलौना तो पिताजी दे सकते हैं, पर प्यार देने वाली माँ कहाँ से लाएगी। कहते हैं माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कलेजा कांपने लगा पूनम चंद जी का, कैसे होगा मेरे बेटों का, कैसा होगा, कैसा होगा। इसी चिंता ने पूनम चंद जी को वेदनाग्रस्त कर दिया। धूली बाई तो तन की वेदना से मरी थी, पूनम चंद जी को मन की बीमारी और तन की बीमारी दोनों भी लग गए। बच्चों को देखते और मन ही मन रोते। पूनम चंद जी का मन न व्यापार में लगता था और न घर में पैर रुकते थे बंधु। क्या कहता होगा वो पिता का कलेजा उन बच्चों को देखकर। बच्चे अब खेलते जरूर थे पर हंसते नहीं थे। और एक दिन इसी वेदना में रात होती है। आधी नींद में सोए पूनम चंद जी कहते गणेश लाल जल्दी आ, गणेश लाल जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ बेटा गणेश लाल। आधी नींद में सोया हुआ गणेश लाल धड़ाम से उठकर पिताजी के पास पहुंचता है। पिताजी क्या हुआ बताओ। वहां पहुंचता है तो देखता है कि पिताजी जोर जोर से अपने कलेजे के ऊपर मारे जा रहे। मारे जे बच्चा जल्दी आ, गणेश लाल तू जल्दी आ, मेरे कलेजे में बहुत दुख रहा है, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, गणेश लाल तू जल्दी से जाके वैद्य को ले आ। पुराना समय था। गणेश लाल चले गए वैद्य के पास और लेकर आए वैद्य जी को। वैद्य आए, इलाज हुए। मन की बीमारी का कौन इलाज कर सकता है। और आखिरकार देखते 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 क्रूर काल ने मां तो छीन ही ली उन बच्चों की और अब पिताजी भी चले गए। बच्चों का जीवन मां की धरती और पिता के आसमान हो गया। गणेश लाल और शोभा चंद के जीवन से माता और पिता का साया सदा सदा के लिए चला गया। हर लम्हा युग सा बन जाए पाप बहुत या, हर लम्हा युग सा बन जाए पाप बहुत या राए, आँख से आंसू रुक ना पाए पाप बहुत यादाए, पाप बहुत यादाए। माँ की मौत, पिताजी की मौत। पिताजी का अंतिम संस्कार करके बच्चे घर आते हैं। शाम होती है, सारे परिवारजन बच्चों के पास पहुंचते हैं। सांत्वना का हाथ बच्चों के सर पर फेर कर कहते बच्चा चिंता मत कर, परमेश्वर सब संभाल लेगा, विधाता सब सही कर देगा, क्यों डरते हो तुम। भाई बंद आए, परिवार जन आए और शाम हुई। शाम होते ही सारे अपने अपने घर चले गए। इतने बड़े घर में गणेश लाल और शोभा चंद बस अकेले रह गए। जाने वाले के साथ कौन जाता है, कोई नहीं जाता। इतने बड़े घर में माँ और पिताजी के बिना रोने जैसा और कुछ न था, बचा था बच्चों के पास।
बस रोए जाते और एक दूजे के कंधों पर सर रखा जाते, बस इतना ही काम वो बच्चों को रहा अभी। ना खाना था ना पीना था, बस अब रोना ही रोना था। कहते हैं औरत के बिना घर नहीं होता, औरत का अपना कोई घर नहीं होता, पर बिना औरत के कोई घर घर नहीं होता। मां नहीं, पिताजी नहीं, बस अब वो घर खंडहर हो गया था। रोते 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 दोनों बच्चे मां और पिताजी के उस कक्ष में रोते रोते बैठ जाते हैं। अपने कंधों पर कंधा रख के दो ही भाई रो रहे हैं और ऐसे रोते रोते आधी रात हो जाती है। आधी रात में गणेश लाल की आंख लग जाती है। कुछ पल के लिए लगी आंखों के सामने गणेश लाल एक दिव्य प्रकाश देखते हैं। उस दिव्य प्रकाश से एक देवी प्रकट होती है और वो देवी मां का रूप लेकर गणेश लाल से, बेटा उठ, अब तुझे यहां से निकलना है। बस यही संकेत पाकर गणेश लाल शोभा चंद को जगाते, शोभा मां आई थी, शोभा उठ, अब यहां अपना कोई नहीं है, शोभा अपने को जाना है। शोभा कुछ समझ नहीं पाई, छोटा सा बालक क्या समझ पाएगा, बस इतना ही सुन रहा था शोभा, यहां से जाना है, यहां से जाना है, यहां से जाना, हम यहां अब नहीं रुकना है, यहां अब हमारा कोई नहीं। शोभा चंद का भैया क्या बोल रहे हो? गणेश लाल ने साक्षात्कार की सारी बात गणेश लाल को शोभा चंद को सुनाई और दोनों भाई उस अंधेरी रात में उस बिलाड़ा नगरी से निकल जाते हैं। कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ पहुंचना है पता नहीं, बस भाई ने कहा है तो भाई के हाथ में हाथ रखकर जिंदगी की सारी चिंताएं बड़े भाई के हाथ में सौंप कर वो छोटा भाई गणेश लाल के पीछे पीछे निकलता है। है अंधियारा गहरा है, ना कोई हमें पहचानता है, ना हमारे पास पूंजी है, बस यहां से जाना है। इतना कहकर मां चली गई और भैया के पीछे 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 शोभा चंद चल रहा है। नुकीले रास्ते है, अंधियारी रात है, बस चले जा रहे हैं दोनों भाई। और चलते 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 सुबह होती है, सुबह हो गई, दोपहर हो गई और अब शाम भी हो चुकी थी। गणेश लाल और शोभा चंद दोनों एक गांव में पहुंचते हैं। गांव के लोग दोनों भाई से पूछते हैं कहां से आए क्या आए। दोनों बालक को भूखा देखकर वो गांव वाले लोग गणेश लाल और शोभा चंद को आहार पानी देते हैं और वो रात वही गुजारने की गणेश लाल और शोभा चंद निश्चित करते हैं। आहार पानी लेकर उस पेड़ के नीचे दोनों भाई बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद शोभा चंद छोटा भाई गणेश लाल से कहता है, भैया भैया मेरा सर बहुत फट रहा है, भैया भैया देखो ना भैया प्लीज। भैया माँ कहती थी ना, माँ कहती थी ना भैया कि जहां दर्द वहां हो, वहां हाथ रखकर नौकार कह दो तो दर्द ठीक हो जाता। भैया आप कर दो ना प्लीज, भैया कर दो ना, आप मेरे हाथ पर सर रख के नौकार कह दो ना भैया, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जैसा ही गणेश लाल नौकार कहने के लिए शोभा चंद के मस्तक पर हाथ रखता है, एक जोरदार चटका
गणेश लाल के हाथ को लगता है। गणेश लाल देखते हैं, अरे ये तो बहुत तपरा है, इसे तो बहुत बुखार है, इसे तो तेज बुखार है। घबराए हुए गणेश लाल शोभाचंद से कहते हैं, बेटा रुक, तू डर मत, मैं अभी गांव में जाता हूं और वैद्य जी को ले आता हूं। बड़ा भाई जाता है गांव में और दो चार उन गांव वालों के साथ वैद्य जी को ले आता है। वैद्य जी आते हैं और आंखों के सामने शोभाचंद वहां दिख रहा है और दोनों भाई, भाई गणेश लाल और वैद्य जी देखते हैं कि वहां से कुछ तो उड़ रहा है, कुछ तो जगह से हिल रहा है। गणेश लाल को ध्यान में आया कि शोभाचंद को झटके आ रहे हैं, झटकों में शोभाचंद उड़ रहे हैं। वैद्य जी जल्दी ही पास आते हैं, भैया को, छोटे भाई को देखते हैं और गणेश लाल से कहते हैं, देखो इसके सर में बुखार उतर गया है, ये बुखार बहुत गहरा सर में चढ़ गया है, इसलिए इस बच्चे को झटके आ रहे हैं। इस बच्चे की उम्र बहुत छोटी है और बुखार सर में चला गया है, इसकी बचने की संभावना बहुत कम है। अब तुम्हारा ईश्वर ही कुछ कर सकता है। वैद्य जी ने दवा दी और वैद्य जी चले गए। ना तो झटके रुक रहे हैं और ना ही बुखार उतर रहा है। शोभाचंद को बार 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 झटके आ रहे हैं और एक बार जोरदार झटका आया और भाई सदा सदा के लिए दुनिया से चला। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। ये तो क्यों होता है जब ये सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए होती है, एक सास और दूजा साथ। माँ गई, पिताजी गए और अब भाई भी चला गया। रोते 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 गणेश लाल वही बैठ जाते हैं। गांव के लोग आते हैं, शोभाचंद का अंतिम संस्कार कर देते हैं और रोते बिलखते गणेश लाल वही उसी पेड़ के नीचे रोते रोते बैठ जाते हैं। नियति को जवाब कौन पूछ सकता है। गणेश लाल के जीवन की यही नियति थी, ना पिताजी बचने वाले थे, ना माँ बचने वाली थी और अब ना भाई बचा। जिंदगी में कोई भी नहीं बचा, किसी का साथ जीवन में नहीं रहा, सारे साथ छूट गए पर अभी कर्म नहीं छूटे थे। कर्म की गति तो अभी बाकी थी और कर्म गति गणेश लाल को आगे क्या क्या नजारे दिखाती है, बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं। ये कथा का प्रयोजन ही है आपके सामने रखने का कि आपके जीवन में अगर ऐसा प्रसंग आए तो डगमगाना नहीं, यही सीख देने का प्रयास है। गुरु माँ के जीवन में यही लक्ष्य है उनके जीवन का। आज की परिस्थिति समाज की देखकर थोड़ी सी बात हो जाए ना तो मेरे जैसे सयाने कहते हैं, मैं खुद को खत्म कर लूं, मैं तो सुसाइड कर लूं। बस इसी का सॉल्यूशन गुरु मां ने खोजा।
रोते बिलखते गणेश लाल वही रुक जाते हैं, हार कर बैठ जाते हैं और रोते रोते आंख फिर लग गई और फिर आंखों के सामने एक नया प्रकाश गणेश लाल को दिखा और अंतर से आवाज आई, गणेश लाल उठ निकल यहां से। अंतर की आवाज भी कोई आकाशवाणी से कम नहीं होती है और गणेश लाल खड़े हो गए आगे बढ़ने के लिए। उठे गणेश लाल, चले गणेश लाल और आगे जामनेर पहुंचे गणेश लाल। और उधर जामनेर में गणेश लाल को एक नौकरी मिल गई। वे वहां पर मुनीम के पद पर नियुक्त हो गए और क्षमा करना, वो वहां से राजमल जी ललवानी के यहां पहुंचे और वहां पे वो वहां रहने लगे। राजमल जी ललवानी के यहां वे काम करते थे और उनकी जो हुनर थी, उनका जो काम करने का तरीका था, वो इतना अच्छा था कि कुछ ही दिनों में वे सबके प्रिय हो गए। राजमल जी के पास अपार धन संपदा थी। आज जिन्हें तुम आरएल ज्वेलर्स बोल के जानते हो ना, ये वही राजमल लखीचंद ज्वेलर्स है, ये वही राजमल जी ललवानी है जहां पर गणेश लाल पहुंचे थे। सत्ववान व्यक्तित्व, अपार धन संपदा उनके पास थी, पर राजमल जी को कोई बेटा नहीं था। राजमल जी और सेठानी जी बात करते थे और कहा करते थे अक्सर, बेटा हो तो ऐसा हो, बेटो किसो सहीजे, गणेश लाल जी सो सहीजे। सेठानी जी ने इस बात को जरा सा सुधारते हुए कहा राजमल जी को, इसो बेटो नहीं सहीजे, योच बेटो सहीजे। क्या बोला? ऐसा बेटा नहीं चाहिए हमें, तो यही बेटे के रूप में चाहिए। और अगले दिन सुबह राजमल जी ने गणेश लाल के सामने प्रस्ताव रखा, ये सारी दौलत तू ले ले, ये सारी शोहरत तू ले ले, पर हमारा बेटा बन जा। कितना श्रेष्ठ प्रस्ताव है ना दादी सा, ओ दादी सा, कितनो मस्त प्रस्ताव है ना, किसी का बेटा बन जाऊ, सारो गेनो थाको मारो, थाका सारा रुपया मारा, थाका सारा कपड़ा लत्ता मारा, थाकी सारी दुकाना किरी, और बड़ो सारो घर भी किरो मारो, आपा कई करता सा, बोलो सा कई करता आपा, आपा गो चल जाता। तपाक से जवाब दिया गणेश लाल ने, काको सा, इस जीवन में मैं दो पिता का नाम कभी नहीं लगाऊंगा, आपकी सारी धन दौलत, आपकी सारी जवाहरात, ये आपको मुबारक रखिए। मैं पैसे के लिए, मैं शोहरत के लिए अपने जन्म के माँ बाप कभी नहीं बदलूंगा। और गणेश लाल वहां से उठ खड़े हुए और क्या कहते पता है आपको? सुनना जवाब क्या दिया। ऐसा जवाब गणेश लाल ने दिया जिसको इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। सुनो वो जवाब क्या था। काका सा मुझे माफ करना, काको सा मुझे माफ करना, गोद में ना आऊंगा, इस जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा, हाँ इस जीवन में दो पिता का नाम ना
का कोसा मुझे माफ करना, ओ का कोसा मुझे माफ करना, गोद में ना आऊंगा। एक जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा, एक जीवन में दो पिता का पूनम चंद जी थे बड़े अभिमानी। हाँ मेरे पिताजी पूनम चंद जी थे बड़े अभिमानी। माता मेरी भोली बाई जिनका न कोई सानी, माता मेरी भोली बाई जिनका न कोई सानी। ललवानी कुल को कभी भी हो, ललवानी कुल को कभी भी पत्ता नहीं लगाऊंगा। एक जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा, इस जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा। काका सा मुझे माफ करना, काका सा मुझे माफ करना, गोद में ना आऊंगा। एक जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा, एक जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा। सपने साथ सभी का छूटा, टूटी माला टूटे सपने साथ सभी का छूटा। पर मेरा भगवान मुझसे आज भी नहीं रूठा, पर मेरा भगवान मुझसे आज भी नहीं रूठा। क्या कहा? दूध के करजे के माँ को, दूध के करजे के माँ को मैं तो नहीं लगाऊंगा। इस जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा, इस जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा। काका सा मुझे माफ करना, हो काका सा मुझे माफ करना, गोद में ना आऊंगा। एक जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा, एक जीवन में दो पिता का नाम ना लगाऊंगा। और फिर घाव पे घाव, फिर एक घाव मिला इन्हें, गोद आने का प्रसंग इनके दिल को छुप गया। और गणेश लाल बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल पड़े, चुपचाप निकल पड़े और पहुंचे बेलापुर। बेलापुर में इन्हें एक दुकान पर मुनीम जी की नौकरी मिल गई। और एक दिन सेठ जी ने जोर से आवाज लगाई, अरे गणेश! दौड़े दौड़े गणेश सेठ जी के पास गए और कहा, फरमाओ सेठ जी, कई बात है। अरे गणेश, आज थने खुंडी लिखनो है। हुंडी, हुंडी का मतलब होता है वचन पत्र,
जिसे हम इंग्लिश में प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, उस हुंडी में जिससे पैसे बाकी होते हैं वो आना लिखना होता था उस जमाने में। सेठ जी ने कहा तो गणेश लाल ने कहा, ठीक है सेठ जी, कितने की हुंडी लिखनी है? सेठ जी ने कहा, जो वास्तव में जो अमाउंट था, रोकड़ था, उससे ज्यादा लिखने के लिए। सेठ जी ने कहा, लेकिन गणेश लाल, संस्कारी गणेश लाल ने टपाक से कहा, सेठ जी सुनिए, मैं यहां खतौनी लिखने के लिए हूं, किसी को खत्म करने के लिए नहीं हूं। और उसी क्षण बिना सोचे विचारे मात्र एक सेकेंड में 2 साल की पगार को छोड़कर वहां से भी वो निकल पड़े। और जैसे वहां से निकल पड़े, कहते हैं ना, वेर देर इज विल देर इज वे। और उनका जो आत्मबल था उसे लेकर वो चलते रहे। और रास्ते में उन्हें एक, सुनना ध्यान से, रास्ते में उन्हें एक कच्ची मुसलमान भाई मिला। क्योंकि जब वो व्यापार करते थे तब उनके रिलेशंस अच्छे थे, तब उस कच्ची मुस्लिम भाई ने उन्हें कहा, क्या हुआ गणेश, क्या बात है, तुम ऐसे उदास लग रहे हो? तो गणेश लाल ने कहा, सारी कथा सुनाई। तब उस कच्ची मुस्लिम भाई ने कुछ राशि दी और उस राशि से वे जो बाजार होता है जिसे हम मार्केट डे कहते हैं, उस बाजार में वे ठेले पर कपड़े बेचने का व्यापार शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में, या कहो कुछ ही महीनों में, उनकी मेहनत ने रंग ला लिया। क्योंकि ईमानदारी की कमाई थी और उसमें बरकत ही बरकत होने लगी। और बहुत ही कम समय में वे मनमाड़ चले गए और खुद का व्यापार, बड़े स्केल पर व्यापार करना शुरू किया। मानो घर पर कुछ ही दिनों में लक्ष्मी का वास होने लगा। लक्ष्मी ऐसे बहने लगी, दिन दूनी रात चौगनी, ऐसे लक्ष्मी बहती गई, बहती गई, बहती गई। और बिजनेस उनका बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और इसको देखकर नगर शूल के खेमचंद जी बाफना को पता चला कि एक होनहार लड़का बहुत ही कम समय में व्यापार को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि कोई उसकी तुलना भी ना कर सके। बस क्या था, खेमचंद जी बाफना ने ठान ली कि मैं अपनी भतीजी, उनके बड़े भाई की लड़की की शादी का प्रस्ताव लेकर मैं गणेश लाल के पास जाऊंगा। और वो नगर शूर से निकलकर गणेश लाल के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पधारते हैं। और जैसे ही शाम हुई, गणेश लाल अपने घर के लिए रवाना हुए। और उस समय रात्रि में उनको इतनी जोर से पेट का वेदना हुआ, इतनी जोरों से पेट की दर्द कि उनको उनके जीवन की सारी कथा रिवर्स कैसेट में दिखने लगी। जैसे कि उनकी माँ का दर्द, माँ की मौत, पिता का अकेलापन, पिता की मौत, भाई का झट पटा झट से मौत, उनके आंखों के सामने गणेश लाल का दिल तो तार 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 टूट गए। और फिर उसी पेट दर्द के वेदना में वह एकदम शांत हो करके साधना के आसन में, ध्यान के आसन में बैठ गए और
प्रभु से स्मरण करने लगे। हे प्रभु, अगर मेरी ये पेट की दर्द शांत हो जाए तो मैं विकल्प लेता हूँ कि मैं संसार छोड़ संयमी बनूंगा। और नवकार मंत्र गिनते गिनते वह इतनी गहरी निद्रा में पहुंच गए कि बस सवेरे होते ही उन्हें एहसास हुआ कि मेरा तो पेट का दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। और वह प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं संसार छोड़ संयमी बनूंगा। और जैसे ही गणेश लाल ये सब सोचते हैं, खेमराज जी बाफना और उनके भाई उनके घर पधारते हैं सगाई का टीका करने। तब गणेश लाल ने बाफना जी से जीवन की सारी कथा कह दी और कल रात को जो घटना घटी वह भी कह दिया। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि आप मेरे धर्म के माता पिता बनकर मुझे मेरे रास्ते पर सहयोग दे। आप मेरे ससुर जी नहीं, मेरे माता पिता बने, मेरे धर्म के माता पिता बने। और बाफना जी ने इस सारी बातों को नेगेटिविटी में नहीं ली, बल्कि उन्होंने तो पॉजिटिविटी में लेकर उन्होंने गणेश लाल से कहा, अरे गणेश, तुमको तो एक अच्छे से साधु का मार्ग चुनना चाहिए, जहां पर तुम्हें एक अच्छे सहयोगी साधु मिले जो तुम्हें सारे ज्ञान दे सके। और तब कुछ समय बाद नगर से समाचार आए कि बेलापुर में परम पूज्य प्रेमराज जी महाराज साहब का चतुर्मास है। और वहां पर गणेश लाल तुरंत पहुंच गए और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में अपनी जीवन की सारी कथा कह दी। और उन्होंने यह आग्रह विनती की, हे गुरुदेव, आप मुझे संयमी बना दें, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। गुरुदेव ने फरमाया, अरे गणेश, सिर्फ साधु वेश धारण करने से कोई संयमी नहीं बन सकता। कि वो जो साधु जीवन के लिए जो भी शिक्षा चाहिए उसे वो गुरु के निसानिध्य में रहकर ग्रहण करने लगे। और कुछ ही दिनों में बेलापुर का चातुर्मास संपूर्ण हुआ। वहां से गुरुदेव प्रेमराज जी महाराज साहब विहार करने लगे तो साथ में गणेश लाल भी उनके साथ में विहार कर मनमार पर आए। अब वो सेठ गणेश लाल अब क्या बन गया? वो सेठ गणेश लाल अब वैरागी गणेश लाल बन गया। बस जैसे ही मनमार पहुंचे, जैसे ही मनमार की पुण्य धरा पर उनका गुरुदेव के साथ आगमन हुआ, इधर से खेमचंद जी बाफना और झमकूबाई बाफना उनके परिवार को लेकर गुरुदेव के चरणों में विनती की, गुरुदेव हमारी एक इच्छा है गुरुदेव, कि बालक ये वैरागी गणेश लाल जो आपके साथ है, इसकी दीक्षा मात्र और मात्र नगर शूल में हो, क्योंकि हमने इसे अपना जमाई बनाने की ठानी थी, लेकिन हमारे कर्मों का उदय आज इतना अच्छा हुआ है कि हम इसके दीक्षा के माता पिता बनने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं।
अब बस देर किस बात की थी, जहां भावना अच्छी होती है वहां फल जल्दी मिल जाता है। और बस गुरुदेव प्रेम राज जी महाराज साहब ने भी आओ देखा ना ताओ झट से बोल पड़े, खेमराज जी बापना आपकी जो इच्छा है नगर शूल में दीक्षा कराने की, ये मैं आपको आज्ञा देता हूं, आप पधारिए नगर शूल और दीक्षा की तैयारी करिए, मैं विहार करके वैरागी गणेश दाल को लेकर आ रहा हूं। बस अब वो बेला वहां से शुरू होती है सेठ गणेश लाल से वैराग की यात्रा। नगर शूल पहुंचे, वहां पे गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था से उनका दीक्षा का आयोजन किया। महिलाएं मंगल गान गाने लगी, मेहंदी पीटी, ऐसे हर जो भी रीति रिवाज है, केसर छाटना वगैरह वगैरह सब हुए, और बड़ी धूम धाम से खेमचंद जी बाफना एवं झमकूबाई बाफना ने मिलकर, नगर शूल के श्रावक श्राविकाओं ने मिलकर वैरागी गणेश लाल की दीक्षा रचाई। और गुरुदेव प्रेम राज जी महाराज साहब ने देखा कि इस बालक में कुछ प्रतिभा है, ये जिन शासन का श्री गणेश करने वाला है, बस और गुरु का गुरु ने नाम दे दिया गणेश लाल जी महाराज साहब। बोलिए गणेश लाल जी महाराज साहब की जय। ओ मारग है सुरारो, कायर तो दूरा भागे रे, ओ मारग है सुरारो, ओ मारग है सुरारो, गणेश लाल ने संयम मन भायो, गणेश लाल ने संयम मन भायो, गणेश लाल ने संयम मन भायो, मुगति सुलगन सुरों के मार्ग पर कायर नहीं शूरवीर होते हैं वो, जो जिन शासन की प्रभावना करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। गुरुदेव ने, गुरुदेव प्रेम राज जी महाराज साहब ने मिंगसर वदी नवमी वार शनिवार विक्रम संवत 1970 के पावन दिन दिनांक 7/12/1913 के शुभ दिन नगर शूल में गुरुदेव की दीक्षा हुई। और सोने पे सुहागा उसी दिन, और एक शूरवीर जो श्रमण संघ के आचार्य सम्राट हुए, ऐसे आनंद ऋषि जी महाराज साहब की दीक्षा भी उसी दिन मिरी में हुई। ऐसे उस
निंगसर सुद की नवमी के दिन दो दो आत्माओं ने, भव्य आत्माओं ने दीक्षा ली और दोनों ने ही जिन शासन की ऐसी प्रभावना की कि आज उन्हें जाकर स्वर्गलोक में इतने दिन हो गए, फिर भी हम आज उनकी गुणगाता गाते। तो बोलिए जोरदार एक बार, खद्दरदारी गणेश लाल जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट 1008 आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। और मैंने जैसे कहा प्रेमराज जी महाराज साहब ने उनका नाम ही रखा था श्री गणेश। श्री गणेश जिस दिन दीक्षा ली उस दिन से उन्होंने एकाशना व्रत शुरू कर दिया। साधना में इतने लीन तप में इतने लीन और मात्र 4.5 वर्षों में। ध्यान से सुनना, हमें नौकार मंत्र सीखने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन मात्र 4.5 साल की अवधि में, only 4.5 years span में गणेश लाल जी महाराज साहब ने पूरे आगमों को कंटस्थ कर लिया और 32 आगमों की लेखनी भी कर दी। ऐसे महान संत हुए और एकांतर तप में वो लीन होकर ध्यान साधना करने लगे। उनका जो तप का प्रभाव था, उनकी जो तपस्या की प्रभावना थी, आत्मशक्ति को उन्होंने जागरूक किया। हम तो मात्र एक एम्बिल करते हैं तो क्या होता है अपने को पता है, लेकिन गुरुदेव निरंतर साधना में लीन, एकांतर में लीन, बिहार में पता नहीं क्या पारने में मिलता और पारने में क्या नहीं मिलता, ऐसे ऐसे इतिहास हम आपको अभी सामने बताएंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ भैया सुनो, आज सवेरे ताम्रम में पारना हुआ था, गूंद पाक, गूंदरी राबड़ी, सीरो, पापड़ और कई कई नहीं खाया सा, लेकिन अपना हिरदारा गुरुदेव पारनो कैया करता, मारवाड़ी चालीला, अपना गुरुदेव पारनो कैया करता सा, पारना में ना तो राबड़ी थी, ना तो गूंद पाक थो, ना पापड़ था, ना मोई थी सा, एक एक टाइम गुरुदेव खाली आटो, सुको आटो और पानी मिलार पारनो करिया। अपा तो देखिया नहीं, जो अपना बूढ़ा बडेरा गुरु भगवंत किया वे मैं बोल रहा हूं। वहां नीमरा पत्ता भी खार, सुक्योड़ा नीमरा पत्ता खार, गुरुदेव पारनो करिया, ऐसी गाता गुरुवरिया रे मुखारविंद सुमा सुनी, जिको आपने सुनावा सा। गुरुदेव इतनी कठिन साधना, तप के प्रभाव गुरुदेव के चारों ओर फैलने लगे। मारवाड़ी बोलू सा ठीक है। तप्रो यो प्रभाव इतो जोरदार चारों ओर फैलन लागियो कि गुरुदेव रा तपरा प्रभाव सु इतना इतना रोग मिटन लागिया, इतना इतना रोग मिटन लागिया
और एक अचुंबारी बात आपने बताओ सा कर्नाटक केसरी जी ने आपा केवा जालनारो जो बाबो है यो मात्र पेलो संत है आपाने जैन धर्म में जो साधु धर्म निभाता हुआ मां भारती अपनो भारत देश वा टाइम आपने पता है कि अपना भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में चकड़ियोड़ो थोसा और गुरुदेव क्योंकि वे साधु था तो साधु रे कारण वे अपा जू लड़ नहीं सकता या झांसीरी रानी जू लड़ नहीं सकता लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लियो सा। अबे आप सोच रहे होला कहीं बोल रहे हो सा आप कहीं भाग लिया सब पेली सा वे खादीरो प्रचार करायो क्योंकि क्योंकि उन जमाना में आपने पता है कि बॉयकॉट मूवमेंट चालियो सॉल्ट सत्याग्रह चालियो मतलब विदेशी गुड्स ने अवॉइड करने लिए बॉयकॉट करने लिए गांधी जी जो अभियान चलाया अपाना गुरुदेव सा खादीरो प्रचार कियो खादीरो प्रचार करने पीछे दो कारण एक कारण खादी जो बने वह हिंसाओं को नहीं बने सा दूसरी खादी भारतरी पहचान थी सा भारतरी पहचान थी और यूं गुरुदेव खादीरो प्रचार करन लागिया जो भी श्रावक श्राविका गुरुदेव रा दर्शन ने आओता तो गुरुदेव केवता खादी में आओ खादी पहन ने आओ जो भी ध्यान सु सुनजो सा आज तो अपा इतना रिम झिम करर आवावा लेकिन ध्यान सु सुनजो वा जमाना में रिवाज थो कि लुगई माटो ढकती और मोटियार पगड़ी बांधता बिना पगड़ी और बिना घुंटारा कोई रहता नहीं सा और मजाल किरी गुरुदेव रे सामने बिना मातो ढकिया लुगया गई या बिना साफा या पगड़ी रा अपा मिनक गया दो रूल था गुरुदेव रे पास या तो मुंडाओ मातो मिनक मातो मुंडार आओ या पछे पगड़ी बांधर आओ और लुगया मातो ढकने आओ अबे और एक जोरदार बात बताऊं सा गुरुदेव री अबे चले अबे तो व्याख्यान में जावे तो 10,000 री साड़ी ने 12,000 री साड़ी ने 20,000 री साड़ी यूं ही प्रसंग चालियो सा गुरुदेव रो प्रवचन चाल रियो बाया कंदोरा बोर बेस सब पेर रही जानी एंट्री मारिया थानक में गुरुदेव री नजर वा बाई माते पड़ी और गुरुदेव भरी सभा में किया कही है भाई वाह भाई डर गी केवन ला गया गुरुदेव कही तू गणेश अरे ब्याह में आई इतनी बड़ी बात क्या कहा तू कही गणेश अरे ब्याह में आई बाप रे और आज कोई साधु संत ऐसा कह दे तो दूसरे दिन से टाटा बाय बाय लेकिन श्रद्धा उसी पल उस बाई ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञान ले लिए कि गुरुदेव आज से मैं इतना नहीं पहनूंगी और मैं खादी के क्या लेती हूँ प्रतिज्ञान लेती हूँ ऐसा प्रभाव उनके तप का था ऐसे अनुशासित हमारे गुरुदेव थे सचित पानी का त्याग धोवन पानी आज तो हम कोरोना काल में कह रहे पानी उकालने पियो सा पानी में यो मिलार पियो सा अरे अपना महावीर भगवान तो कभी बोल दिया और उरो प्रचार गुरुदेव कभी की कर दिया सा अबे मुपत्ति बांधा हुआ मुपत्ति बांधर बैठा हुआ आप सब गुरुदेव राव में यो मास्क को नहीं चालतो गुरुदेव राव में मुपत्ति चालती ऐसे हमारे गुरुदेव ने तप के प्रभाव से कई कई पर्चे बताए कई कई लोगों को सही रास्ते पर लाया और आज भी कई लोग उनके इतने
आस्था है लोगों में कि आज भी हम श्रद्धा से सर झुकाते हैं उस गुरुदेव के चरणों में, उस गुरुदेव के चरणों में। गुरु जीवन के परचे चर्चे आपके सामने ला रहे हैं। 1912 में गुरुदेव पहुंचे हिंगन घाट, चलते कदम गुरुदेव के उस हिंगन घाट नगरी में पहुंचे, और जैसे आज कोरोना की परिस्थिति है, उस वक्त प्लेग ये ऐसी बीमारी थी कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे उस प्लेग की महामारी में। गुरुदेव के चरण उस हिंगन घाट में पहुंचते ही गुरुदेव को पता चला कि इस गांव में प्लेग की बीमारी, प्लेग की महामारी आ चुकी है। गुरुदेव ने श्रावकों को बुलाया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम भगवान के उपायों से इस प्लेग का इलाज करेंगे। और श्रावक डर गए और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ गांव की गांव खत्म हो रहे हैं और आप कौन सी बचोगे? गुरुदेव आप भी हमारे साथ चलिए, इस हिंगन घाट में आप भी मत रुकिए। पर वो तो शेर थे बंधुओं, वो क्या किसी को डरते। उन्होंने कह दिया कड़े शब्दों में श्रावकों को, आपको जाना है तो निकलो, गणेश लाल तो यहाँ रहेगा, देखते हैं कौन सा प्लेग इस गणेश लाल को मारता है। सारा गांव खाली हो गया, अकेले गांव में बच गए गणेश लाल और उनकी साधना। गुरुदेव ने अपने एकांतर तप को जारी रखा, वास का पारणा उन नीम के पत्तों को खाकर किया और खड़े खड़े जाप करने लगे। गुरुदेव के जीवन का नियम था, गुरुदेव जहां जाते खड़े जाप करते थे। गुरुदेव ने आज तक गुरुदेव ने अपने जीवन में बैठकर जाप कभी नहीं किया। जैसे गुरुदेव चलते थे उनके साथ लोग आज विहार करते हैं ना, तो जाप उनके साथ चलता था। गुरुदेव कभी बैठकर जाप नहीं करवाते थे, ना किसी को करने देते थे और ना स्वयं करते थे। गुरुदेव खड़े हो गए साधना में और क्या पर्चा, और क्या पर्चा, और क्या बात बनी। उस गांव में प्लेग ने सदा सदा के लिए विदा ले ली। गुरुदेव ने श्रावकों को बुलाकर कहा, अरे कहा है तुम्हारा प्लेग, और प्लेग की बीमारी चली गई। गुरुदेव ने हिंगन घाट में आयंबिल तब शुरू करवाया और जालना में भी यही घटना हुई। जालना में तो आज भी वो आयंबिल का नारियल अखंडित रीति से चालू है। और गुरुदेव का जीवन का पर्चा और आगे सामने भजन के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। चातुर्मास संपन्न कर गुरुदेव दक्षिण की ओर विहार करते हुए आए। विहार कर गुरुदेव ने उस साल का चातुर्मास, अभी जो तेलंगाना है पहले आंध्रा था, ऐसे सिकंदराबाद में उन्होंने
चौमासा किया और सिकंदराबाद मतलब तेलंगाना प्रांत में एक प्रथा है, आसोच के महीने में हर साल वहां पे महाकाली माता का एक उत्सव होता है जिसे बोनालू कहते हैं। बोनालू जैसे हम शीतला सप्तमी करते हैं वैसे वहां पे बोनालू मनाते हैं, लेकिन उस बोनालू में कई मुर्गे, कई बकरियां, कई भैंसों की हत्या होती थी, मतलब बलि चढ़ाई जाती थी। गुरुदेव, ये घटना लाल बाजार की है, ध्यान रखना सिकंदराबाद से 4 किलोमीटर दूर लाल बाजार क्षेत्र है, वहां पे भी ऐसी प्रथा थी। और उस रात्रि देवी गुरुदेव के सपने में आई और कहने लगी, पता नहीं क्या वार्तालाप हुआ गुरुदेव का देवी के साथ। गुरुदेव अगले दिन ही अनराजी साकला को बुलाया और कहा, मंगलिक दिया और कहा, जाओ और तुम वहां पे बलि प्रथा को बंद करवा के आओ। लेकिन वो ढोंगी पुजारी और जो भी है, ये जो मांस मट्टी खाते उनको क्या पता है, वो कहने लगे, हम ये मानेंगे नहीं, हमारी देवी प्रकोप में आ जाएगी। पुन्ना ये लोग आकर गुरुदेव को कहा, गुरुदेव यान की बात है। गुरुदेव उठे और निकल पड़े वहां के उज्जैनी महाकाली मंदिर, जो बहुत ही बड़ा फेमस मंदिर है, और गुरुदेव ने जाकर अपनी गर्दन वहां रख दी और कहा, अगर पहले तुम्हें बलि छड़ानी है तो मेरी बलि छड़ाओ, मेरी बलि छड़ाओ, बाद में इन मुर्गों की, इन बकरियों की, इन भेड़ियों की बलि छड़ाना, बस आओ देखा ना ताओ अज्ञानी जीव। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपकी भी बलि छड़ाने के लिए क्या है, रेडी है, तैयार है। और उस आदमी ने थपाक से चाकू उठाया और गुरुदेव ने अपना सर गर्दन रख दी। जैसे ही उसने चाकू उठाया और गुरुदेव के गर्दन पर चढ़ाने लगा तो क्या हुआ, उस आदमी का, उस कसाई का हाथ ऐसे कैसा रह गया। और उस दिन से आज दिन तक हमारे सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर में बोनालू होता है लेकिन बलि नहीं छड़ती है। ऐसा वरदान हमारे सिकंदराबाद को गुरुदेव ने दिया, ऐसे गुरुदेव का हम आभार प्रकट करते हैं। निर्दा में है चांदनों ने अंतर में गुरुना, निर्दा में है चांदनों ने अंतर में गुरुना, अंतकरण था ना चरणा में कोटि कोटि प्रणाम मारा, गुरुवर कदरधारी पल पल था ना सुमिरन मारा, जीवन लाभकारी गुरुवर कदरधारी पल पल माना सुमिरन मारा, जीवन रा उपकारी। इन नयना में ज्योति थाने ज्ञान भी गुरु जी थानो, इन नयना में गुरु जी थानो, रोम रोम में ऊर्जा था कि काजे संयम बानो मारा, गुरुवर कदरधारी पल पल थाना सुमिरन मारा, जीवन रा उपकारी मारा, गुरुवर कदरधारी पल पल थाना सुमिरन मारा, जीवन रा उपकारी। Thank you.
जन्म भटकाया गुरु जी अंतर मन राखे, जन्म जन्म भटकाया गुरु जी अंतर मन राखे, बोलो जन्म जन्म भटकाया गुरु जी अंतर मन राखे, जन्म जन्म भटकाया गुरु जी अंतर मन राखे, कृपा थानी धोय सकेला जीवन रा सब मेल मारा, गुरुवर गद्दरधारी पल पल ताना सुमिरन मारा, जीवन रा उपकारी मारा, गुरुवर गद्दरधारी पल पल ताना सुमिरन मारा, जीवन रा उपकारी। सतगुरुनाथ है नाम आपरो पुण्य जगावन वालो, सतगुरुनाथ है नाम आपरो जगावन वालो, मारा सतगुरुनाथ है नाम आपरो पुण्य जगावन वालो, सतगुरुनाथ है नाम आपरो पुण्य जगावन वालो, अमावस ने लाके गुरु साजाल नामे मेलो मारा, गुरुवर कसरधारी पल पल थाना सुमिरन मारा, जीवन रा उपकारी मारा, गुरुवर कसरधारी पल पल थाना सुमिरन मारा, जीवन रा उपकारी मारा, गुरुवर कसरधारी पल पल थाना सुमिरन मारा, जीवन रा उपकारी। बड़ी प्यारी लाइन आई, सतगुरु नाथ है नाम आपरो पुण्य जगावन वालो, अमावस ने लागे गुरु सा जाल ना में मेलो, अमावस को जाल ना जाना यानी पुण्य को बढ़ाना है। मेरे जीवन की घटना को आपके सामने रखता हूं। मेरा भांजा है महज 14 साल का, गुरुदेव को जाकर के लगभग लगभग 70 साल पूरे हो गए हैं। जिनेश नीलेश जी चोरडिया नाम है उस बच्चे का, राहता में रहता है। कुछ बात ऐसी बनी, उसका लेफ्ट वाला जो कंधा है ना वो ऐसा ऐसा उड़ने लग गया, ऐसा ऐसा उड़ रहा कंधा। डॉक्टर को दिखाते हैं, एक नहीं दो नहीं 45,000 रुपए की मेडिकल टेस्ट उस बच्चे की हो गई। बोन स्पेशलिस्ट हुआ, साइकोलॉजिस्ट हुआ, सारे इलाज हुए और आखिरकार में बोन स्पेशलिस्ट ने बता दिया कि इसके कंधे में कील ठोककर इसके वाइब्रेशन बंद करना पड़ेंगे। इस जीवन का सद्भाग्य है, कुछ बुरा भला हो तो गुरु माँ का आसरा है। बस कुछ भी हुआ तो हमारे सामने एक ही है, हमारी गुरु माँ। कुछ भी हो जाओ, चाहे सुख हो दुख हो, बस बात को लेके पहुंच जाते, जाएंगे कहा गुरु माँ आपके बिना, बस पहुंच गए जालना में हम। बाप जी शीशी बात है, बाप जी ने देख लिया, पौन बजे के ध्यान में बाप जी के सामने बच्चे को बिठाया गया और बाप जी ने जवाब दिया, अरे ये तो डॉक्टर का काम नहीं है, यटे तो बाबा लागे, बड़ो डॉक्टर, यो डॉक्टर काम नहीं आवे। बंधुओं, सारी मेडिकल रिपोर्ट की जेरोक्स है मेरे पास। 3 दिन समाधि पर जाके बच्चा रहा, वहां पे जाप किया और 3रे दिन हंसता हुआ उसकी माँ के पास जाके कहता है, अब नहीं ले गोली, अब ले नहीं गोली, मारो हाथ तो ठीक हुई गयो गुरुदेवरा दवासु। बस बाबा कहीं गए नहीं बंधुओं,
बस तुम्हारी श्रद्धा से आवाज लगाओ, बाबा तुम्हारे अंतर में बसे हैं। आओ, कैसे उन घोर तपस्वी राज के पर्चों को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं। आओ घोर तपस्वी राज वीणा बोल रही, मन वीणा व्याकुल राज एक सुर बोल रही, मुझे दर्शन दे दो आज, हो मुझे दर्शन दे दो आज, वीणा बोल रही, सुर बोल रही, जय बाबारी जय बाबारी, सब साथ में जय बाबारी जय बाबारी जय बाबारी, खतरधारी उग्र विहारी मंगलकारी, कृपा करना हम पर सुन लो विनती हमारी, जय बाबारी जय बाबारी जय बाबारी, 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 ध्यान से सुनना, दिल पे तेरे जो भी आए हो, खाली हाथ कोई ना जाए, खाली हाथ कोई ना जाए, रोते रोते दुखड़े सुनाए हो, हंसते हंसते वापस जाए, हंसते हंसते वापस जाए, हंसते हंसते वापस जाए, हंसते हंसते वापस, तुम ही हो सदगुरु नाथ, तुम ही हो सदगुरु नाथ, वीणा बोल रही, आओ घोर तपस्वी राज वीणा बोल रही, मन वीणा व्याकुल आज एक सुर बोल रही, सब साथ में फिर से, जय बाबारी जय बाबारी जय बाबारी, जय बाबारी जय बाबारी जय बाबारी, खतरधारी उग्र विहारी मंगलकारी, कृपा करना हम पर सुन लो विनती हमारी, जय बाबारी जय बाबारी जय बाबारी, 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 अट्ठावन साल हो गए गुरुदेव को जाकर, और कुछ ऐसे ही सयाने लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा भाऊ थाका गुरुदेव मर गया, 58 साल हो गया गुरु ने मरने थाका, अब इतने मने गुरु बनाए लियो, क्या बोला, थाका गुरु मर गया, 58 साल हो गया गुरुदेव ने जाने, थे थाका गुरु अबे माने बनाए लियो, मैं जाने कियो थाका पिताजी ने जाने कितना साल हो गया, थाका पिताजी रो नाव बदल दियो कही थे, गुरु कभी मरता नहीं बंधुओ, सुनिए उस सवाल का जवाब आज सुनाता हूँ आपको, जो कहते हैं तुम्हारे गुरु मर गए अब तुम गुरु बदल लो, जन जन के अंतर में बैठा गुरु है अमर हमारा, जन जन के अंतर है अमर हमारा,
सास के साथ में सुमिरन तेरा श्रद्धा आकाश का तारा, सास के साथ में सुमिरन तेरा श्रद्धा आकाश का तारा, गुरु श्वेत धवल शक्ति धारी, गुरु श्वेत धनेश मंगलकारी, हो सद्गुरु नाथ गुरु उपकारी, गुरुदेव गणेश मंगलकारी। मेरे सर पर हाथ तुम्हारा चोट करे क्या कोई, ओ हो मेरे सर पर हाथ तुम्हारा चोट करे क्या कोई, नाम तेरा ले कदम बढ़ा दे क्या भटकाएगा कोई, तेरा ले कदम बढ़ाते क्या भटकाएगा कोई, गुरु दे दो प्रसाद लब्धी धारी, गुरु दे दो गणेश मंगलकारी, हो सद्गुरु नाथ गुरु उपकारी, गुरुदेव गणेश। तुम्हारा मंत्र हमारा हर विपदा को टाले, ओ हो नाम तुम्हारा मंत्र हमारा हर विपदा को टाले, बोलो ले ले कर हम नाम तुम्हारा मोक्ष के ताले खोले, ले ले कर हम नाम तुम्हारा के ताले खोले, गुरु अंतर में दे सुख भारी, जय हो गुरु अंतर में दे सुख भारी, गुरुदेव गणेश मंगलकारी, हो सद्गुरु नाथ गुरु उपकारी, गुरुदेव गुरुदेव किसके किसके है, हाथ ऊंचे करना, गुरुदेव किसके किसके है, हाथ जोड़ो दादी सा, गुरुदेव थका है कहीं, हाथ ऊंचो करनो सा, जीरा गुरुदेव नहीं है वो हाथ नीचो करीला, और जीरा गुरुदेव है वो हाथ ऊंचो करीला सा। कैमरा वाले भैया जो लाइव चल रहा है एक बार सभी का एक बार लाइव बताओ ताकि मालूम पड़े कि तांबरम में भी गुरु गणेश खाता हो रही है, लाइव लाइव कमिंग लाइव, सभी के हाथ ऊपर, अगर गुरुदेव आप रहा है तो हाथ उछो रखो सा, सभी धन्यवाद सा, एक बार सब आप सब जैन होना सा, आप सभा जैन होना, गुरुदेव अपना जैना रही है कही, गुरुदेव अपना जैना रही है कही, बात ऐसी है एक ओडिया समाज की बहन है जो मेक्सिकन यूएसए में रहती है, आज भी है वो मेक्सिकन यूएसए में रहती है वो बहन, सुप्रिया नाम है उसका,
अपने देव की पूजा करती है, लव मैरिज हुआ है उसका, अपने देव की आराधना करती थी, उसको कोई बच्चा नहीं था, उसको कोई संतान नहीं थी उसको। और एक दिन बहुत अच्छी चित्रकार है वो, बहुत अच्छा ड्राइंग करती है वो लड़की। तो ऐसे ही आराधना करते करते, पूजा करते करते, उसके आंखों के सामने एक प्रकाश हुआ और एक कुछ तो भी फ्लैश हुआ उसको। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, 10 बार हुआ कि वो मूर्ति उसके सामने आ जाती थी। वो चित्रकार लड़की ने वह चित्र कागज के ऊपर उतारा, उस चित्र को कागज के ऊपर उतारा और उसकी फोटो अपने माँ को भेजी। उसकी माँ महाराष्ट्र की है और वो ओडिया समाज के लोग है। उसकी माँ का जो मायका है वो रायचूर में है। तो उसकी माँ ने वो चित्र देखा और उसने कहा, ये तो कोई जैन है जिसका फोटो तूने बनाकर भेजा है। तो उसने वो फोटो उसके मायके में भेजा, चेन्नई में, सॉरी। तो दलपत भाई चोपड़ा है ना, उन्होंने वो फोटो देखा और उन्हें कहा, ये तो गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब का फोटो है। तब सुप्रिया ने उस दलपत भाई से संपर्क किया और पूछा कि गुरुदेव के परिवार से कोई अभी है क्या, इनका कोई वंशज भारत में जीवित है क्या, तो उससे मेरा आप संपर्क कराइए। तो जैसे ही दलपत भाई ने समाचार दिए कि हमारे गुरुदेव की परंपरा से हमारे श्रद्धेय प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब आज भी विराजमान है, तो सुप्रिया ने गुरु मैया से संपर्क किया। जैसे ही गुरु माँ के संपर्क में वो आई, सुप्रिया माँ बन गई। और देखते देखते उस सुप्रिया ने एक अति दिव्य बालक को जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया। विशेष बात, उसको बेटा हुआ। गुरु माँ के संपर्क ही काफी है गुरुदेव की कृपा पाने के लिए। मत छूटना गुरु चरणों में आने से, मत छूटना उनकी कृपा पाने से। एक कृपा उनकी आपके जीवन की दशा बदल कर रख सकती है, इतना सामर्थ्य हमारे गुरु माँ में है। आज के प्रति गणेश लाल कोई है तो साक्षात हमारी गुरु माँ है। पलक पावड़ा सू पूजो गुरुवर पग थारा, पग थारा ज्ञान राहो दिवला गुरुवर लागो प्यारा। प्यारा, 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 प्यारा।
करो ओ पुत समझायो दियो जीवन दर्शन समकित रो ओ पुत समझायो दियो जीवन दर्शन गुरु दीप गुरु चांद सूरज मोहन चरनारी छाया में मनड़ो आया सारे चरनारी छाया में मनड़ो आया इन चरनारी छाया में मनड़ो आया सारे चरनारी छाया में मनड़ो आया सारे ध्यान दृष्टि गुरुदेव आपरी आनंद में बरसावे ध्यान दृष्टि गुरुदेव वृक्ष सम आप गुरुवर आशा पूरण वृक्ष सम आप हो गुरुवर आशा पूरण भक्ति रो फल मुक्ति चाहूं नहीं चाहूं संसार भक्ति रो फल मुक्ति चाहूं नहीं चाहूं संसार भक्ति ही वर्षा में लाई कर दो भव पारा नांदेड़ चतुर्मास गुरुदेव अपनी साधना में लीन थे गुरुदेव जहां भी जाते चावल की घास पर सोते और नींद पूरी हो जाने पर वो चावल की घास ओसरा देते और वहां से आगे निकल जाते नांदेड़ का वर्षावास पूरा करके गुरुदेव विहार करते करते संतुक पिंपरी पधारे संतुक पिंपरी में किशन लाल जी बाफना गुरुदेव के परम भक्त जो हमारी गुरुवर्या के संसारी पिताजी है गुरुदेव के चरणों में विहार में पहुंचे और विनती करने के लगे कि गुरुदेव आपको मेरे घर पधारना है आपको संतुक पिंपरी आना है गुरुदेव इस भगत को दर्शन देकर आपको भगवान बनाना है आपको संतुक पिंपरी आना है गुरुदेव अपने लक्ष्य की ओर निकल गए थे गुरुदेव ने कह दिया था कि अब मुझे मेरे अंतिम पड़ाव चालना पहुंचना है किशन लाल
मैं तेरे घर नहीं आ सकता। भगत किशन लाल रोने को लग गए, प्रभु ये क्या बात कहते हो गुरुदेव, मेरे बारने से जाओगे और मेरे घर नहीं आओगे। आपके जैसा मैं भगवान पाकर धन्य हो गया, गंगा मेरे घर के सामने जाएगी और मेरे घर में नहीं आएगी। गुरुदेव इससे अभागा और कौन हो सकता है। और किशन लाल वही रोने लग गए, क्या अभागा हूं मैं कि मेरे भगवान मेरे घर नहीं आ रहे, मेरे रास्ते से जाएंगे मेरे घर नहीं आएंगे। मैं क्या मेरे दुख को बयान करूं, क्या इस अभागे की बात कहूं। गुरुदेव ने जवाब दिया, अरे किशन लाल तू अभागा नहीं है, अरे तू तो सद्भाग्य लेकर के जन्मा है। तेरे परिवार से चार चार दीक्षाएं होगी और वो जिन शासन की ऐसी प्रभावना करेगी कि दुनिया उनकी प्रभावना देखकर अपने मुंह के लिए उंगली दबाएगी। गुरुदेव का वचन सत्य हुआ। नौकार आराधिका प्रतिभा जी, अयंबिल आराधिका प्रफुल्ला जी, दर्शना जी और पुण्य स्मिता जी, ये चार चार दीक्षाएं उनके परिवार से संपन्न हुई। गुरुदेव अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़े, जालना पहुंचे और गुरुदेव ने कह दिया कि अब गणेश लाल का जाने का समय आ गया है। ऐसी ही परिस्थिति कुछ सालों पूर्व बनी थी, गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार हुए थे। सारे भारत में बात फैल गई थी कि गुरुदेव गंभीर बीमार है और जाने की परिस्थिति में है। तभी गुरुदेव ने कहा था, आज से 16 साल तक ये गणेश लाल कहीं नहीं जाएगा और जिस दिन गणेश लाल बेला करेगा तुम समझ जाना कि गणेश लाल के जाने का वक्त हो गया है। गुरुदेव जालना पहुंचे और गुरुदेव को समाचार लगे कि आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ है। गुरुदेव ने अपने ही पास में रहे हुए रंगलाल को बुलाया और कहा, रंगलाल सावधान हो जाना, अब मेरा भी समय आ गया है, ये खादी का भंडार लुटा दो। और गुरुदेव को बुखार आया, गुरुदेव ने बेला पचक लिया और कह दिया कि मेरा बेला है और सारी जनता में हाहाकार मच गया कि गुरुदेव ने बेला पचक लिया। महासती जी जड़ाव कंवर जी गुरुदेव की सेवा में थे। महासती जी गुरुदेव को पास पहुंचे और गुरुदेव ने महासती जी को कहा कि मुझे आलोचना सुनाओ। महासती जी ने आलोचना सुनाई और बेले के दिन गुरुदेव की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। गुरुदेव ने कहा कि मेरा अब समय आ गया है। दिनांक 3 फरवरी 1962 अष्ट महाग्रह के योग में गुरुदेव ने इस शरीर का त्याग किया और जाते जाते क्या कहा बोला है, और भक्तों ने गुरुदेव के पीछे जाते जाते क्या कहा आपको सुनना है। गुरुदेव कहा नहीं गए हैं, गुरुदेव यही है, सुनिए इस आशय का भजन। मारा गुरुदेव गया कोनी अटे, क्यों थे पूछो गुरु जी गया कटे, क्यों थे पूछो गुरु जी गया कटे। गुरु जी गए गए, तू तो पूछ
उनारी माया कितनी फैली काया छूटी भले उनारी माया कितनी फैली अरे रेवन वाला जायस के नी करो कुबाता गेली अटे आनंद बिराजे दुख घटे पूछो गुरु जी गया कटे दी। दुनिया ने बड़े प्यार से गुरुदेव की उस दवाई को खाया और तन मन से मस्त हो गए। हमारी बहन नैना ओस्तवाल उसी मस्ती में मस्त है। आज 8 उपवास है और गुरुदेव के बारे में कहती है, गुरुदेव के बारे में कहती है
आ जाए कभी आपके जीवन में ऐसी घटना, ऐसे प्रसंग, जब सामने कुछ ना दिख रहा हो, तो करना ये काम बड़ा गजब का, करना ये काम बड़ा निराला, जहां हो वहां से तीन वंदना गुरुदेव को करना, और कहना आपकी जो कथा है, कहनी आपकी जो व्यथा है, और देखना कितने पलों में आपका काम बनता है। आज हम सब यहाँ पर गुरु भगवान की भक्ति में गुरु गणेश गाथा सब ध्यान धर्म कर ले सच्चा सुख पाएगा, तब ध्यान धर्म कर ले सच्चा सुख पाएगा, प्रभु नाम स्मरण कर ले बल पार हो जाएगा, प्रभु नाम स्मरण कर ले बल पार हो जाएगा, तब ध्यान धर्म कर ले सच्चा सुख पाएगा, तब ध्यान धर्म कर ले सच्चा सुख पाएगा, प्रभु नाम स्मरण कर दे भव पार हो जाएगा, प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो जाएगा। बहना के लिए ये गीत हम डेडिकेट कर रहे हैं, उसकी तपस्या के ऊपर ये गीत, ये भाव हम उसे भेंट कर रहे हैं। तो आइए आप भी हमारे सुर में सुर मिलाइए और कहिए, गहराई से तुम सोच कर देखो, दिल की गहराई से तुम सोच कर देखो, जीवन में क्या पाया ये खोज कर देखो, क्या मानव भव को तू यूं हो, क्या मानव भव को तू यूं ही गवारेगा, प्रभु नाम स्मरण कर ले सब पार हो जाएगा, प्रभु नाम स्मरण कर ले सब पार हो जाएगा। चिंतन तो कर देखो कुछ याद में आएगा, चिंतन तो कर देखो कुछ ध्यान में आएगा, क्या पाया क्या खोया क्या साथ में जाएगा, अपने जीवन का पल हो, अपने जीवन का पल वो सफल बनाएगा, प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो जाएगा, बोलो प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो जाएगा। जीवन के आंगन में गुरु माँ के प्रांगण में, जीवन के आंगन में गुरु माँ के प्रांगण में, जीवन
बन के आंगन में गुरु माँ के प्रांगण में जीवन के आंगन में गुरु माँ के प्रांगण में गुरु भक्ति खिले देखो गुरुवर के उपवन में तप त्याग को जीवन में हो तप त्याग को जीवन में जो भी अपनाएगा प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो जाएगा प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो जाएगा प्रभु ज्ञान धर्म कर ले सच्चा सुख पाएगा प्रभु ज्ञान धर्म कर ले सच्चा सुख पाएगा प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो जाएगा प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो जाएगा प्रभु नाम स्मरण कर ले भव पार हो जाएगा शत्रु नाथ की जय आज ये जो कार्यक्रम हुआ ये प्रस्तुति थी जैन सोशल ऑर्गेनाइजेशन भारत की। जैन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है युवाओं का जो गुरु माँ की मार्गदर्शन से बना है। ये भक्ति का कार्यक्रम तो एक उदाहरण था आपके सामने। ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने साधर्मी भक्ति के रखूं, बिजनेस कंक्लेव के रखूं या फिर भक्ति के रखूं तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। गुरु माँ ने ऐसे लगभग 1000 युवकों को संगठित करके पूरे भारत भर में एक ऐसी चेन को बनाया है कि कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने प्रांत से उस प्रांत के जैन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सदस्य को फोन करके अपनी समस्या का समाधान पाता है। चाहे वो समस्या बिजनेस की हो, चाहे डॉक्टर की हो या फिर कोई और हो। तो मैं गुरु माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आपने ये आज ये अवसर प्रदान किया। गुरुनी मैया के आदेश से आज हम यहाँ पर गुरु भगवान की भक्ति के रूप में गुरु गाथा गुरु गणेश गाथा का आयोजन रखा है। इसमें हमारे इन भाइयों ने बहुत इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि मानो हमारे यहाँ पे शब्दों में नहीं गुरु भगवान के चित्र के रूप में आ रही है। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हैं। और आप सबका स्वागत संघ के द्वारा आप सबका स्वागत किया जाएगा। श्री कृपया खेमराजी गांधी रंजीत मंदी विनायकिया कौन और कौन है बड़ा मैं प्रकाश जी आओ आओ दिन आओ दिनेश जाओ और कौन मनोज और कोई है कोई अपन है स्वागत भाव जी प्रकाश सिंह जी बोधरा का स्वागत करेंगे। श्रीमान खीमरा जी गांधी प्रकाश सिंह साहब बोधरा माला माला और मोमेंटो द्वारा स्वागत किया जाएगा।
स्वागत करेंगे प्रकाश जी गुगलिया। अतुल जी बोथरा, अतुल जी बोथरा आगे बढ़ा रहे हो साहब। अतुल जी बोथरा आगे बढ़ा रहे हो साहब, आपका स्वागत। दिनेश जी बलगट, विजयराज जी गांधी। हेलो, तन्मय संचेती साहब आगे बता रहे हैं, आपका स्वागत। राजेश जी विनय क्या और हाँ आओ आगे आओ सर। एक मिनट सा, तो मैं संचित साहब आगे बढ़ रहा हूँ। सद्गुरुनाथ की जय। एक मिनट रुक जाना सब जने, एक बधाई का एक गाथा गाएंगे और उसके बाद में मंगल पाठ होगा। संतोष जी साहब कोठारी बीलाड़ा, संतोष जी साहब कोठारी आगे बढ़ बीलाड़ा सुसीधा पधारो मारा तपस्वीरा, बीलाड़ा सुसीधा पधारो मारा तपस्वीरा, भगतारो काज सवारो सुधारो गुरु गणपत आ, सुधारो गुरु गणपत आ, बीलाड़ा सु हो बीलाड़ा सु सीधा पधारो मारा तपस्वीरा, भगतारो काज सवारो सवारो गुरु गणपत आ, सवारो गुरु गणपत आ। शुभ अवसर भगत जम घट छायो, धूल पोत्र में हो धूल सवारो सवारो गुरु गणपत सवारो गुरु गणपत। I'm
आसरो माने आसरो धन राकुमारा दिन तिरिया धने आसरो धन राकुमारा दिन तिरिया भगतारो गान सवारो सवारो गुरु गणपतया सवारो गुरु गणपतया बिलाड़ा सूरा बिलाड़ा सू सीधा पधारो मारा तपस्वीरा भगतारो गान सवारो सवारो गुरु गणपतया सवारो गुरु गणपतया सवारो गुरु गणपतया सवारो गुरु संतोष जी साहब कोठारी बहुत अच्छा बहुत सुंदर इन्होंने प्रस्तुति की माला द्वारा बहुत सही है जी मनोज यशवंत किवेशराव मोमेंट द्वारा स्वागत करेंगे राखी जी विनायकिया का स्वागत पधार से आगे राखी जी विनायकिया कौन है बुलाओ जमुना भाई गांधी ने बोले आप बोले दो ना अकाउंट की नहीं जमुना भाई गांधी और पर आगे बढ़ा रहा स्वागत राखी जी विनय किया साथ में आने वाले बहन को कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पर राखी ने साथ दे करके वो प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व कर दिया बहुत अच्छी बात है चलो बहुत सुंदर हर्ष हर्ष पधारो ये सभी महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत और अभिनंदन है हाँ सभी प्रभावना लेकर पधार रहे हैं कल सुबह जल्दी से पधारें 9 बजे हो रही नहीं 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा जल्दी पधारने की भावना रखें और यहीं पर अल्पाहार की व्यवस्था यहीं पर रखी जीवन हाँ गौतम प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है कृपया कल गौतम प्रसादी लेकर बता रहे हैं जल्दी से बता रहे हैं और पूरे प्रोग्राम का लाभ ले रहे हैं